अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद शांस। हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, हम एक ऑफिशियल लंबे टूर पे जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं वकास अमीन साहब, इनकी एक सीड कंपनी है अलकरम सीड। तो इसका एक ऑफिशियल टूर है। हम साहिवाल, दीपालपुर, बारास्ता, बहावलपुर, विहाड़ी, बोरे वाला, ये आरिफ वाला जो है, हम ये जा रहे हैं। अभी हम इस वक्त नेशनल हाईवे पे अपने सफ़र पे गामजन हैं। तो क्या करने जा रहे हैं आकाश भाई? जी देखें जी, माशाल्लाह शाम का वक्त है और बहुत बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमारा ये दुआ करते हैं कि हमारा ये ऑफिशियल टूर जो है वो सक्सेसफुल रहे। हमने, क्योंकि सब व्यूअर्स जानते हैं कि जो ये ओकाड़ा बेल्ट है साहिवाल, ये चावल का इलाका है। तो हमें अपनी सीड कंपनी के लिए चावल का सीड, जिसको हम पैडी सीड बोलते हैं, पैडी सीड हम ख़रीदने जा रहे हैं मंडी से, फार्मर से। तो लेट्स सी। और इसके साथ साथ जो दूसरा हमें फ़ायदा होगा वो ये है कि हम ये साउथ पंजाब एक्सप्लोर करेंगे। हमने वहाँ बहावल नगर के एरिया में जाना है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ है। बहुत फर्टाइल लैंड है वहाँ पे और बहुत अच्छी फार्मिंग होती है। इसी तरह हमारा जो दीपालपुर का इलाका है और प्रॉपर हवेली, लखा, ये सारे एरियाज में जो है वो चावल की कटाई शुरू है। तो देखते रहें जीशान साहब का जो YouTube चैनल है। हम इस वक्त बहावलपुर के करीब पहुंचने वाले हैं। नेशनल हाईवे जो ये, इसको NH5 बोलते हैं, ये पाकिस्तान की कौमी शाहराह है। ये कराची से लेके पिशावर तक, इसको जो है ना हम पाकिस्तान की शहरक भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक कोने से शुरू होती है और दूसरे कोने पे जाके ख़त्म होती है। और इस रोड के बहुत सारे नाम हैं। इसको KLB रोड भी कहा जाता है, इसको GT रोड भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? बस जी, हम तो इसको मेन रोड ही समझ सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान के सिटीज़ को आपस में मिलाती है। जी नाज़रीन, तो हमने रास्ते में एक स्टॉप किया है चाय पीने के लिए। रास्ते में बहावलपुर से कुछ फासले पे ये एक होटल है, लारी अड्डा नाम से है। और हमने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना रुक के हम आपको ये इस होटल के बारे में भी बता दें। ये एक बहुत ख़ूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, लारी अड्डा नाम से, एक कल्चरल टच दिया है इसको। रिवायती अंदाज में इन्होंने सिटिंग का स्टाइल बनाया है, जिस पे इन्होंने बेहतरीन बैठने की जगह रिवायती अंदाज में। और ये जी बिल्कुल इन्होंने ना, जो ट्रकों के ड्राइवर होते हैं, जो आप अक्सर नोट करते होंगे कि ट्रकों के पीछे इस तरह की जो है ना तस्वीरें बनी हुई होती हैं, तो ये उन्होंने उस हवाले से ट्रक ड्राइवरों के लिए स्पेशली इन्होंने ये बनाया है। देखें, ये बिल्कुल उसी तरह ये ट्रक आर्ट जो है इन्होंने अपने पिलर्स पे ये लगाया हुआ है, और इसलिए इसका नाम भी लारी अड्डा है। बिल्कुल ये वही हमारी जो सकाफत है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह बनाया हुआ है। ये जी सुल्तान राही की तस्वीर,
और उसी के अंदाज में लिखा हुआ है, बिल दे के जाई होए। एक ट्रक कार्ट है, ये ट्रकों के ड्राइवर चाय पीने के लिए। ये जी पुराने ज़माने का वेस्पा स्कूटर जो है इन्होंने नुमाइश के तौर पे रखा हुआ है यहाँ पे। ये दूसरी तरफ जो है एक खूबसूरत सा लॉन बनाया हुआ है। बेहतरीन अंदाज से जो है सजावट की गई है। बेसिकली ये फैमिली एरिया है। ये जो बिल्कुल देहाती माहौल वाला टच दिया हुआ है। बिल्कुल वही देहाती अंदाज और देहात की सकाफत। ये जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम देहात में किसी जमींदार भाई के डेरे पे गए हुए हों। ये चारपाई लगाई हुई है बैठने के लिए और ये घड़े। जी वकास भाई जो है ये नमाज पढ़ने गए हुए थे, ये आ गए हैं। हेलो गाइस, चाय का ऑर्डर कर दिया हमने तो अब हम चाय पियेंगे यहाँ बैठ के, उसके बाद फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देंगे। ये है जी शक्कर वाली चाय, यहाँ की स्पेशल गुड़ वाली और शक्कर वाली चाय जो है ये बनती है। चाय पीने के बाद हमारी तबीयत में ज़रा चुस्ती आ चुकी है और हम अपना सफ़र अब दोबारा शुरू करने लगे हैं। ज़िला विहाड़ी पंजाब का ज़िला है जी, जनूबी पंजाब में इसका शुमार होता है। अच्छा शहर है। जी रात हमारी गुजर गई एक दोस्त के पास बुरेवाला में और अब हम पाकपतन पहुंच चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं एक ज़िमींदार भाई के फील्ड में। जनाब
ज़िला पाकपतन, और पाकपतन के किसी नवाही इलाके में आए हुए हैं जहाँ पे ये धान का फील्ड है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है धान की हार्वेस्टर के साथ। ये जो है पीछे हार्वेस्टर काम कर रहा है। ये इलाका धान के हवाले से बहुत ही मशहूर इलाका है। यहाँ पे धान की बड़ी वसी पैमाने पे काश्त होती है, और उसके अलावा यहाँ पे मकई और आलू, ये तीन फसलें जो है ये यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये इलाका गढ़ है। तो हम भी जो ऑफिशियल टूर के सिलसिले से आए हुए थे धान के फील्ड विज़िट करने, तो ये हमने अब विज़िट किया है। इसके बाद वो हमारा अपना डिसीजन होगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक गर्मी जो है वो नहीं जा रही। गर्मी अभी है, धूप नाकाबले बर्दाश्त है। ये जी हार्वेस्टर ने हार्वेस्ट करने के बाद पैडी जो है वो ट्रॉली में फिल हो रहा है। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे धान की बड़ी वसी पैमाने पे काश्त होती है। ज़िला बागपतन खेत गिर्द जो है वो धान के बहुत ही वसी खेत नज़र आ रहे हैं। ये जो ज़मीन तैयार हो रही है ये आलू की काश्त के लिए, और वो सामने जो है वो लेज़र लेवलिंग के लिए जो मशीन लगी हुई है, और ये जो है आलू का सीड है। ये जी छोटे छोटे आलू हैं जो ज़मीन में लगाए जाएंगे, और इसमें से जो है वो आलू का पौधा निकलेगा। सामने मकई के खेत हैं। इस इलाके में मकई के बहुत ही ख़ूबसूरत खेत मौजूद हैं। ये मकई हाइब्रिड मकई जो है वो वसी पैमाने पे यहाँ पे काश्त होती है। ये भी आलू का सीड पड़ा हुआ है। ये जी मकई के खूबसूरत खेत। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये जी इर्द गिर्द मकई के फील्ड, और ये जी हमारे जब रहीम यार खान में हम इस तरह के रास्ते में जा रहे होते हैं तो दाएं बाएं जो है वो कमाद ही कमाद होता है, लेकिन यहाँ पे दाएं बाएं जो है आपको मकई नज़र आती है या चावल नज़र आता है। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं जी खेत हाइब्रिड मकई के। कमाद भी इसी तरह खूबसूरत लगता है, घने जंगल की तरह। जी फील्ड हमने विज़िट कर लिए, और अब हम जा रहे हैं दीपालपुर की तरफ। अगला हमारा जो कयाम है वो दीपालपुर में होगा। दीपालपुर में अपने एक दोस्त आमिर भट्टी साहब के डेरे पे मौजूद हैं, और वकास भाई भी साथ हैं।